हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं कुछ CCOA, PGDCA और DCA के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि जो इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है हार्ट्रॉन, तो उसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उनमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि इन टर्म्स को एक्सप्लेन करो। तो आज आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द टर्म्स। सबसे पहली टर्म है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर होता है जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स के कंप्यूटर के अंदर जिनको भी हम टच कर सकते हैं और जो यूजर आराम से देख सकते हैं, उन सबको क्या कहते हैं हम हार्डवेयर। जैसे कि कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया। तो ऐसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से जो हार्डवेयर के अंदर आते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है? आ सॉफ्टवेयर आ सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल MS ऑफिस, टैली एंड फोटोशॉप। जो भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसके अंदर भी ऐसी कोडिंग जिसके अंदर पूरे के पूरे सेट ऑफ प्रोग्राम्स का है, उसको हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, टैली एंड फोटोशॉप। तो यहाँ पे हमने कुछ नीचे एक्सप्लेन करा हुआ सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा व्हाट इज मेमोरी। ये क्वेश्चन आपसे हर बार ही पूछा जाता है कि मेमोरी क्या होती है, टाइप ऑफ मेमोरी कितनी होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी, कैचे मेमोरी क्या होती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्टली आते हैं पेपर में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। एक इंटरमीडिएट होता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, ये सब बैच टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम, नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल पैनल क्या होता है, यूज ऑफ कंट्रोल पैनल क्या है, कंट्रोल पैनल में सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइकन, फाइल एंड फाइल मैनेजर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डेस्कटॉप क्या होता है, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स क्या होती है, फाइल क्या होते हैं, फाइल फोल्डर क्या होते हैं, टास्क बार कैसे क्या होती है और टास्क बार को हाइड कैसे करते हैं और मूव कैसे करते हैं। उसके बाद रिसाइकल बिन क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये हमेशा पूछा जाता है व्हाट इज बूटिंग और वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग कब होती है और ये दोनों कब करी जाती है। तो इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टोरिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज बूटिंग। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक होती है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग। वार्म बूटिंग मतलब अ वार्म बूटिंग अकर्स व्हेन अ कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन एंड वी रीस्टार्टेड अगेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज वार्म बूटिंग। मान लो अगर मेरा कंप्यूटर चल रहा है, अगर मैं उसे चलते चलते रिस्टार्ट करूँ तो ऐसी बूटिंग को कहेंगे हम वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग मतलब, कोल्ड मतलब कंप्यूटर भी ठंडा पड़ा है, वो चला नहीं। अगर मैं उसको ऑन करूंगा तो एकदम से वो ठंडे से गर्म ही होगा ना, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो कोल्ड बूटिंग वो होती है जब हमारा कंप्यूटर बिल्कुल ही स्विच ऑफ हो और उसको हम फर्स्ट टाइम ऑन करें, उस चीज को हम क्या कहते हैं कोल्ड बूटिंग। तो अ कोल्ड बूटिंग अकर्स व्हेन अ कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑफ एंड वी स्टार्टेड। ओके, इसके बाद आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन क्या होती है, व्हाट इज पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। इसके बाद आता है आपका पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपके पास लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या चीजें होती है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर, होता क्या है, किस चीज के अंदर यूज होता है और ये किस टास्क बार या मेन्यू बार में कहाँ होता है, ठीक है, इसका पर्पस क्या है और इसको यूज कैसे करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट और स्मार्ट आर्ट, ये तीनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब एक बार में दिखाया तो क्लिप आर्ट होता है वो चीज जहां से हमें कंप्यूटर के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर MS वर्ड के ऑफिस के जब हम कोई भी प्री डिफाइंड इमेजेस ले लेते हैं कंप्यूटर की किसी भी चीज की, उसको कहते हैं हम क्लिप आर्ट। वर्ड आर्ट होता है जब हम किसी भी वर्ड को बहुत ही स्टाइलिश फॉर्म में लिखते हैं, डेकोरेटिव फॉर्म में लिखते हैं, उसको कहते हैं हम वर्ड आर्ट। इसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट होता है किसी भी अपनी रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा ग्राफिकली और विजुअली रिप्रेजेंट करना इंफॉर्मेशन को, उसको कहते हैं हम स्मार्ट आर्ट। अब आता है स्लाइड मास्टर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज स्लाइड मास्टर एंड यूज ऑफ स्लाइड मास्टर, MS पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर क्या होता है और मास्टर स्लाइड क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप पढ़ के जाना। इसके बाद एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमेशन क्या होता है और ट्रांजिशन क्या होता है। इसके बाद हम एनिमेशन होता है जब भी हम कोई चीज अपनी स्लाइड के ऊपर कोई इमेज या टेक्स्ट लगाते हैं, हम उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर इफेक्ट डालना चाहते हैं तो उस चीज को कहते हैं एनिमेशन। और ट्रांजिशन होता है हमारा जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, जब एक के बाद नेक्स्ट स्लाइड आती है तो उसके बीच में जो इफेक्ट्स आते हैं उनको कहते हैं ट्रांजिशन।
एनिमेशन होता है किसी भी आइकन या किसी भी शेप के ऊपर इफेक्ट और टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट, और ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू स्लाइड्स इफेक्ट। अब ब्राउजर क्या होते हैं, ब्राउजर किस लिए यूज होते हैं और टाइप ऑफ ब्राउजर क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्च इंजन क्या होता है, फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल क्या करती है, आपके कंप्यूटर को बचाती है किसी भी प्राइवेट नेटवर्क से, तो व्हाट इज फायरवॉल, कुकीज क्या होते हैं, चैट क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको ऐसे और क्वेश्चन पढ़ने, आपको एग्जाम की तैयारी करनी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बाकी मैं आगे आपके लिए और भी वीडियोस लेके आऊंगा, उसके अंदर मैंने अपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से ढूंढ के एक कंबाइंड नोट्स बनाए हैं, और मैंने एक बुक भी लिखी है, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, और बाकी आप अमेजोन पे जाके भी उसको ढूंढ सकते हैं अमन खान सर्च करके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।